वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आज की इस वीडियो में हम बेसिक अरिथमेटिक से रिलेटेड एमसीक्यू जो है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो है, उनको हम डिस्कस करेंगे और खास तौर पर जो है एवरेज जो है उसको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एवरेज से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं, जो कि इस वीडियो में जितने भी एमसीक्यूज शामिल किए गए हैं, ये तमाम एमसीक्यूज जो हैं ये पास एफपीएससी और पीपीएससी के जो पेपर्स हैं उनमें पूछे गए हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। ठीक है, आपने 30 और 50 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर हैं उनकी एवरेज जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हमें प्राइम नंबर्स जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर जो हैं वो कौन से नंबर होते हैं। ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं और वन पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, प्राइम नंबर का नाम देते हैं। जैसे आपके पास 2 है, अब ये 1 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसी तरह 2 जो है ये 2 पे कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये आपके पास क्या है, प्राइम नंबर है। साथ ही आपके पास 7 आ जाता है, 7/1 = 7, 7/7 = 7, इस तरह के नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर बन रहे हैं जो उनको कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं, एक 1, ठीक है, और दूसरा इटसेल्फ। इस तरह के नंबर जो है ये आपके पास प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन है क्वेश्चन के अंदर वो ये है कि 30 और 50 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर हैं उनकी हमने क्या करनी है, एवरेज जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो 30 के बाद हमारे पास जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 31, एक आपके पास प्राइम नंबर है। 31 के बाद 37 हमारे पास दूसरा प्राइम नंबर है, 37 के बाद 41 हमारे पास तीसरा प्राइम नंबर है, 43 जो है ये हमारे पास चौथा प्राइम नंबर है, 47 जो है ये हमारे पास पांचवा प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर आप जो है 49 पे चलते हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं कि 49 जो है ये 1 पे भी डिवाइड हो जाता है, 49 जो है ये 7 पे भी डिवाइड हो जाता है, इसी तरह 49 जो है ये 49 पे भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 पांच प्राइम नंबर आ गए 30 और 50 के दरमियान, इनकी हमने एवरेज जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो वो हमारे पास एवरेज कितनी आएगी, एवरेज फाइंड आउट करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पे हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, 31 + 37 + 41 + 43 + 47, इन सबको आप क्या करेंगे, सम करेंगे, 31 + 37 + 41 + 43 + 47 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 5 हैं। इन सब को अगर आप सम अप करते हैं तो आपके पास जवाब आता है 199 डिवाइडेड बाय 5। अब 199 जो है इसको आप 5 के साथ अगर डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या जवाब आएगा, 39.8। इसको आपने डिवाइड करके जो है चेक कर लेना है, आपके पास इसका यही जवाब आएगा 39.8। इस तरह इन ऑप्शन में से इसका कोई भी जवाब नहीं है, इसका फिर जवाब आपके पास नन ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। पहले 30 नेचुरल नंबर जो हैं उनकी अगर आपने एवरेज फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए आपने सिंपल सा फार्मूला जो है वो याद रखना है। वो फार्मूला आपके पास क्या है, n+1/2। ठीक है, यहाँ पे n आपके पास क्या होगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में n आपके पास क्या है, 30 है प्लस 1, तो उसको आप क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। अगर इनकी हम जो है एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगी, 30
प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 31 डिवाइडेड बाई 2। 31 को अगर आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास कितना आएगा, 15.5। इसका आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। इसी तरह अगर आपके पास आ जाता है फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो यहां पे आपके पास एन क्या होगा, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अगर आप सिंपली देख लें पहले 5 जो नेचुरल नंबर हैं वो क्या हैं, वो कौन कौन से हैं, पहले 5 नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये पहले 5 नेचुरल नंबर हैं। अगर आप फार्मूला की मदद से जो है इस फार्मूला से अलग जो फार्मूला है एवरेज फाइंड आउट करने का उसको यूज करते हैं तो फिर देखें आपके पास क्या यही जवाब आएगा। 5 प्लस 4 कितने होंगे आपके पास 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, एंड ये कितनी टर्म है, 5 डिवाइडेड बाय 5। 15 को अगर आप 5 से डिवाइड कर दें तो आपके पास जवाब क्या आएगा, 3 आएगा। इसलिए ये जो फार्मूला है नेचुरल नंबर की एवरेज फाइंड आउट करने का, इसको आपने जहन नशीन कर लेना है। तो इंशाल्लाह अगर नेचुरल नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा इस तरह का पेपर में उनकी एवरेज फाइंड आउट करने का, तो आप इस आसान से फार्मूले को लगा के उसकी एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ जाता है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। ठीक है, पहले 5 प्राइम नंबर जो है उनकी आपने एवरेज जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है कि पहले 5 प्राइम नंबर जो है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले आपके पास जो प्राइम नंबर है 2 जो है ये आपके पास एक प्राइम नंबर है, उसके बाद 3 आपके पास प्राइम नंबर है, 5 आपके पास प्राइम नंबर है, 7 आपके पास प्राइम नंबर है, 11 जो है ये भी आपके पास प्राइम नंबर है। इस तरह ये हमारे पास आ गए पहले 5 प्राइम नंबर। एवरेज हमने फाइंड आउट करनी है तो एवरेज का फार्मूला हम लगाएंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी है हमारे पास 5। इन सब को अगर आप आपस में सम ऑफ करते हैं इनका जवाब आपके पास कितना आएगा, 28 डिवाइडेड बाई 5। 28 को अगर आप 5 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो जवाब इसका आ जाता है वो आता है 5.6। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये आपको पेपर में मस्त देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ जाता है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 81 नेचुरल नंबर्स। पहले 81 नेचुरल नंबर जो हैं उनकी आपने एवरेज जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इस एवरेज को आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इससे पहले भी एक क्वेश्चन में हम फार्मूला जो है इसका डिस्कस कर चुके हैं, वो हमारे पास क्या है, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। एन आपके पास क्या है, 81, 81 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 82 डिवाइडेड बाई 2। 82 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो 41 आएगा। इसका आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्केयर्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू 41। ठीक है, इससे पहले हम जो है वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स जो हैं उनकी एवरेज जो है वो फाइंड आउट कर चुके हैं। अब यहाँ पे स्केयर ऑफ द नेचुरल नंबर्स, ठीक है, पहले हम जो फार्मूला यूज करते रहे अगर हमारे पास सिर्फ नेचुरल नंबर गिवन है तो उनकी एवरेज हमने फाइंड आउट करनी थी, तो हम इस फार्मूले को यूज करते रहे। अब हमारे पास क्या है, स्केयर्स ऑफ द नेचुरल नंबर, तो इसके लिए आपने जो फार्मूला यूज करना है वो क्या है, एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। यहां पे आपके पास n क्या है, 41। ठीक है, तो इसको आप अप्लाई करेंगे, 41 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 41 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। 41 प्लस 1 42 इंटू
41 को 2 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास क्या आएगा, 2 1 2 2 4 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 42 इनटू 83 डिवाइडेड बाय 6। अब आपने क्या करना है, 42 जो है और 83 जो है इन दोनों को आप क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 3486 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 3486 जो है इसको अगर आप 6 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास जवाब क्या आता है, 581। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 40। 1 से 40 तक जितने भी ऑड नंबर हैं उनकी हमने एवरेज जो है वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो आपको इवन और ऑड नंबर जो है उनका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इवन नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ये नंबर हमारे पास इवन है। सो आगे जो है 1, 3, 5, 7, 9, 11 सो आगे हम चलते जाएंगे, ये सारे नंबर जो है ये क्या है हमारे पास, ऑड नंबर है। ऑड नंबर जो है उनकी एवरेज फाइंड आउट करने का आपने फॉर्मूला याद रखना है वो हमारे पास कौन सा है, लास्ट ऑड नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो लास्ट ऑड नंबर है वो 39 है, क्योंकि 40 जो है वो एक इवन नंबर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 39 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 2 20। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 81। ठीक है, यहां पे भी सेम हमने उसी तरह का फॉर्मूला अप्लाई करना है जैसे हमने ऑड में जो है वो फॉर्मूला अप्लाई किया है। यहाँ पे कौन से नंबर है, इवन नंबर, यहाँ पे हमने चेक करना कि हमारे पास लास्ट जो इवन नंबर है वो कौन सा है, तो 81 से पहले जो लास्ट इवन नंबर है वो 80 है, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लास्ट इवन नंबर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो लास्ट इवन नंबर आपके पास 80 है, 80 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 82 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 82 को अगर आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या जवाब आता है, 41। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, जबकि जो प्रीवियस केस था वहां पे हमने क्या किया था, लास्ट ऑड नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, जबकि इस केस में हमने क्या किया है, लास्ट इवन नंबर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ऑड में क्या किया था हमने, लास्ट ऑड नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ जाता है, फाइंड एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, ये आपके पास 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स गिवन है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपने इनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो इनकी एवरेज फाइंड आउट करने का सिंपल सा मेथड है, आपने जो मिडिल टर्म है उसको चूज कर लेने। अब ये कितने नंबर हैं इनको आप देखेंगे, तो ये आपके पास जो टोटल नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इन 7 में से जो मिडिल है वो क्या है, 6 है, इस तरफ भी 3, 7, 8, 9, 5, 4, 3। ठीक है, ये जो सेंट्रल नंबर होगा ये आपके पास इन नंबर की एवरेज होगी। कंडीशन क्या है, ये नंबर क्या होने चाहिए, कंसेक्यूटिव होने चाहिए, यानी 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन बनती है तो आपने जो सेंट्रल नंबर है उसको चूज करना है। ठीक है, लेफ्ट साइड से हमने 3 जो है वो लेफ्ट कर दिए हैं, इसी तरह राइट साइड जो है उससे भी 3 क्या हो गए, लेफ्ट हो गए, तो बाकी आपके पास क्या बचा है, 6। तो 6 इसका आपके पास राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आ जाता है, फाइंड द एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35। ये आपके पास जो है कंसेक्यूटिव नंबर दिए गए हैं। अब इनकी जो
टोटल तादाद है उनको आप देखें ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहां पे ये आपके पास जो है टोटल तादाद इनकी 8 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है। तो इनकी आपने एवरेज जो है वो किस तरह फाइंड आउट करनी है, आप क्या करेंगे, इस तरफ भी जो 3 है उनको भी आप लेफ्ट कर देंगे, इस तरफ जो 3 है उनको आप क्या करेंगे लेफ्ट कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो दो सेंट्रल बात की है 27 और 29, इन दोनों की आपने क्या करनी है एवरेज फाइंड कर लेनी है। तो जो इनकी एवरेज होगी वही इन नंबर्स की भी एवरेज होगी। तो ये आपके पास क्या है 27 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 2, 27 प्लस 29 जो है इनको ऐड करके अगर आप 2 पे जो है वो डिवाइड करते हैं तो आपके पास जवाब क्या आता है, वो आपके पास जवाब आता है 28। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आ जाता है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 31 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आपने पहले जो हैं इवन नंबर हैं, जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर हैं उनकी एवरेज आपने फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आप सिंपल सा फार्मूला जो है उसको अप्लाई करेंगे। वो फार्मूला क्या है, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड एवरेज आएगी वो किसके इक्वल आएगी, रिक्वायर्ड एवरेज विल बी इक्वल टू एन प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास n क्या है 31 प्लस 1, तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा 32 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह इसका आपके पास जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन दे दी जाती है कि आपने फर्स्ट 31 कंसेक्यूटिव नंबर या फर्स्ट 20 कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर जो है उनकी एवरेज आपने फाइंड आउट करनी है, तो आपने उसके लिए ये सिंपल सा फार्मूला लगाना है। अगर आपको दे दिया जाता है कि फर्स्ट 20 कंसेक्यूटिव इवन नंबर जो हैं उनकी एवरेज फाइंड आउट करें, तो उनकी एवरेज आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे, सेम इसी फार्मूले के तहत 20 प्लस 1। ठीक है, तो वो आपके पास कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी।